वोट बैंक का डर है चुप्पी के पीछे, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता या गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे और उम्मीद है कि जल्द ऐलान हो जाएगा। आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है और क्या आरोपी मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी उसे बचा रही है, सवाल उठ रहा है। सपा का MY समीकरण पर जोर रहता है और इसीलिए बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। इंडी वाले बोलेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है और मिल्कीपुर में अच्छी तादाद में मुस्लिम वोटर से मिल्कीपुर अयोध्या की में ही आती है। मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर 1 लाख और कुंदर की जो कि संभल की सीट है वहां करीब 58%, जबकि खैर जो अलीगढ़ की सीट है वहां 30,000, मजगवा में 22,000 और सीसा मऊ जहां पर उपचुनाव होने वहां 80,000 मुस्लिम वोट है। तो ऐसे में क्या इन सभी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मोहित खान या उसके समर्थकों को बचाने की कोशिश हो रही है और कोई भी नेता पीड़िता से मिलने के लिए या उनके समर्थन में इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। बुलडोजर पर सवाल था, मैं तारिक खान से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा पूरे मामले पर सुन लेते हैं। यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे, जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागर्दी समाप्त। तारिक खान जी, मुख्यमंत्री सीधे कह रहे हैं जब इनकी यानी कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 बजे के बाद लड़कियों का निकलना मुश्किल था और आज आप ही की पार्टी के सांसद बन गए हैं, उनके करीबी थे और उनके करीबी ने ही इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है। बलात्कार जैसे संगीन मामले पे लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर आपके परिवार का कोई, ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात, इसको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है मेरे घर की होती, मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती। क्यों ये कहा जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है? यही दयाशंकर उन्हीं के पार्टी के मायावती को कंपेयर किया था बलात्कार। आपकी बात में नहीं, वो आपकी बेटी नहीं है, वो समाज की बेटी। मैं नमस्कार करता हूं। क्यों हो गया भाई, समाजवादी पार्टी को यही तो पूछा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे में भी ऐसा ही हुआ, चूंकि जो पीड़िता परिवार था, जो पीड़ित परिवार था वो हिंदू था, जो कृत्य करने वाले थे लोग वो विशेष धर्म के थे, इसी नाते हुआ और वही कार्य करना चाहते हैं। हम तो बड़े साफ जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हजारों अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। जैसे मुंह पर उंगली रख के चुपचाप अभी बैठे हुए हैं ना आप, वैसे ही आपके नेता जो चुपचाप मुंह पर उंगली रख के बैठे हैं ना, उसी पर सवाल है, उसी पर सवाल है कि कोई इस पर क्यों नहीं बोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं बीच में आपको गुस्सा यहाँ मत दिखाइए, अगर गुस्सा दिखाना है तो उसके खिलाफ दिखाइए जिस पर आरोप है। बाकी लोगों को बीच में बोलने के लिए आप माफ बोलिए, आपको जितना बोलना। नहीं, मैंने रोका उनको, लेकिन आप सही बात करेंगे तो मैं आपका बात का समर्थन करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार का कंपैरिजन ना करें, एक बात ठीक है। दूसरी बात, ये कहना आप एक धर्म के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वो लड़की किसी एक पर्टिकुलर धर्म की थी इसलिए बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो मुसलमान थी इसलिए बलात्कार हुआ। नहीं, एक पीड़िता पीड़िता है, धर्म को मत लाइए, आप एक धर्म को भड़का रहे हैं, चाहे वो मुसलमान के लिए कहा जाए या हिंदू के लिए कहा जाए। आप कश्मीर पे बोल दीजिए, कश्मीर पे दो शब्द बोल के दिखा दीजिए, कश्मीर की घटना क्यों हुई, कश्मीर की घटना क्यों हुई, क्योंकि हमारे धर्म में आप आ जाइए, नहीं तो आपके साथ दुष्कर्म होगा, आपका घर जला जाएगा, आपको मारा जाएगा। ये धर्म की राजनीति तो आप किए हैं ना। और सुनिए, सब छोड़ दीजिए, बदायूं में दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, आपकी सरकार में पत्ता बिनने गई थी, और राजनीति कौन किया? आजम खान साहब ने विधानसभा में क्या कहा कि मुझे आपकी, मुझे आपकी इन हरकतों पे आप अपनी आंख बंद करिए, आप अपना मुंह बंद करिए, आप अपनी नाक बंद करिए, आप अपना चेहरा छिपाइए, मुझे आपकी इन हरकतों पे 1% की सिंपैथी नहीं है। अगर आप ये गुस्सा, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप ये गुस्सा मोहित खान के खिलाफ दिखाएंगे, अगर आप ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ दिखाएंगे जो लोग समर्थन कर रहे हैं मोहित खान का, मैं आपके गुस्से का समर्थन करूंगी। आप एसएन सिंह से बुलवाइए, मुझसे मत बुलवाइए, बोले गुस्सा मत दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गुस्से का।
मुझे इतना बता दीजिए कि डीएनए और नार्को टेस्ट होना चाहिए क्या? मुझे इतना बताइए क्या डीएनए नार्को टेस्ट होना चाहिए? ये आपकी सरकार, मुझे तो लगता है आपको इस बयान पर ही गुस्सा आ जाना चाहिए था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नार्को टेस्ट की बात नहीं की है, हमने डीएनए टेस्ट की बात की है मैम। क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से बाहर है, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से बाहर है, नहीं बाहर है। हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो एक्यूज है अगर वो सच में गुनहगार है, 5 दिन में उसको फास्ट। सच में गुनहगार क्या होता है जब पीड़ित परिवार कह रहा है? तारिक खान, सच में गुनहगार क्या होता है? पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है। समाजवादी पार्टी खड़ी है, हमने एक बार भी पार्टी से नहीं निकाला आज तक, अभी तक, अभी तक मोहित खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष ही है। पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है, हमने एक बार भी नहीं कहा। तो नार्को टेस्ट किस लिए किया करा रहे हैं? तो आप ये बात मान रहे हैं कि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि रात को 11 बजे कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ नेता हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए वरना ठीक नहीं होगा परिवार के साथ। धमकी देने गए थे, धमकी देने के लिए गए थे रात में 11 बजे। बीच में ना बोले कोई भी। सुनिए, हमारी पार्टी के फैजाबाद के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो हमारी पार्टी के चेयरमैन थे और राणा साहब थे, उनके वही पवन पांडे तो कह रहे हैं सर, वही पवन पांडे कह रहे हैं नार्को डीएनए टेस्ट हो। चंद्रप्रकाश जी पूरी बात सुनिए। अच्छा सुनाइए, आप ही बोलिए अब। हाँ, दो सेकंड, मात्र 5 सेकंड में अपनी बात बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। जब पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो नेता अस्पताल गए थे उनके सगे भाई की बीवी एडमिट थी, वो उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कागजात दिखाए, पीड़ित परिवार को धमकाने या कुछ करने नहीं गए थे। पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है ना, वही तो कह रही हूँ मैं, कह रहा हूँ उसकी भी जाँच करा लीजिए, उसकी भी जाँच करा लीजिए। चंद्रप्रकाश जी उसकी भी जाँच करा लीजिए, ठीक है, सब हो जाएगी, सारी जाँच हो जाएगी, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल रखिए बस आप। देखिए तारिक खान साहब जो गुस्सा दिखा रहे हैं वो उनकी पार्टी, जो चेहरा छुपा रहे हैं ना, उनकी पार्टी की स्थिति वही है, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो जैसा उनकी पार्टी की स्थिति होनी चाहिए वैसा ही कर रहे हैं वो। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी का जो पुराना चरित्र 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति बच्चा जानता है कि उत्तर समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र था। अब वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा जब कांग्रेस इनके साथ अब आ गई है और 37 सीट का तमगा मिल गया, और ये लगातार पिछले 2 महीनों में 4 जून के बाद से इनकी मतलब गुंडागर्दी, सड़क चलते झंडा, बड़े बड़े झंडे उत्तर प्रदेश के शहरों में आप देख सकते हैं, लगातार ये हो रहा है। हालांकि ये घटना पहले की है, अभी जब सामने आई है तो उस पे कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन उस पे जो प्रतिक्रिया है वो 38 सीट की, 37 सीट की जो गर्मी है वो गर्मी दिखाई दे रही है, जिसमें ये नार्को है, जिसमें डीएनए की बातें हैं, जिसमें तरह तरह की ये धमकी दी जा रही है। ये बहुत सीधी बात है कि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपना मूल चरित्र दिखा रही है, एक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है, कांग्रेस जो इसमें उसकी साथी है। अनामिका जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, जल्दी से अनामिका जी, मैं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र से पूछना चाहूंगा, वैधानिक व्यवस्था क्या होती है? कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब थाने में जाता है तो सबसे पहले उसका सुना जाता है, लोग भरोसा करते हैं, साक्ष्य मांगता कौन है? साक्ष्य जो एक कानून मांगता है, कानून चाहे आयु हो या ऊपर आप जाएंगे तो जुडिशरी मांगती है, लेकिन साक्ष्य राजनीतिक पार्टियां तो नहीं मांगती है। राजनीतिक पार्टियां अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरी संवेदना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, पीड़िता के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो उसके साथ न्याय मिलेगा, और समाजवादी पार्टी को भी क्लियर करना पड़ेगा कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं कि दुष्कर्म करने वाले के साथ। तारिक खान, और ठीक बात है, बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं, कि भाई योगी ने तो बुलडोजर चला दिया, समाजवादी पार्टी ने उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की, पार्टी से हटाया? मैं पूरा बीजेपी के जो बलात्कारी है उनका नाम याद करके आया हूं, मगर मैं